रिवर्ट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ग्लूकोमीटर के द्वारा शुगर घर पे ही चेक कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर एक डिवाइस है जो तुरंत शुगर चेक करके बताती है। आप कुछ सेकंड्स के अंदर शुगर मालूम कर सकते हैं। लैब में आपको 12 से 24 घंटे लगेंगे रिपोर्ट मिलने में, लेकिन आप अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और आप उसका इलाज कर रहे हैं तो आपको कई बार ज़रूरत होती है कि हमें शुगर अभी मालूम चल जाए कितनी है, तो उसके लिए आप एक ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करें। मीटर द्वारा शुगर चेक करने के लिए हमें पहले सारी चीज़ें तैयार रखनी है। एक एल्कोहल स्वैब, लैंसेट, लैंसेट डिवाइस, इसके द्वारा हम उंगली में प्रिक करेंगे। ये है ग्लूकोज स्ट्रिप्स और ये है ग्लूकोमीटर। सबसे पहले हमें एल्कोहल स्वैब के द्वारा जो भी जगह हम प्रिक करने वाले हैं उसको क्लीन करना है। आप चाहें तो साबुन पानी से हाथ धो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार एल्कोहल स्वैब यूज़ करें। फिर उसको थोड़ा सूखने दें, ड्राई होने दें उस जगह को। ये है लैंसेट डिवाइस, इसमें हर बार कोशिश करिए एक नया लैंसेट लगा के ही शुगर चेक करें। हमने ये खोला और इस पे ये लैंसेट फिट किया और इस तरह से हमने रिमूव किया तो इसकी नीडल आपको दिख रही होगी। लैंसेट आपका स्किन में कितना डीप जाएगा वो आप इस रोटेटर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हमें कम डीप प्रिक करना है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत थिन होती है, तो हम इसको 1 या 2 पे रखेंगे। ज़्यादातर लोगों को हम 3 या 4 पे प्रिक करते हैं, क्योंकि उससे एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड ड्रॉप बनता है। ब्लड ड्रॉप का साइज सही करने के लिए 3 से 4 के बीच में नॉर्मली लोगों को ज़रूरत पड़ती है। पहले आपको एक स्ट्रिप निकालना है डब्बे से और डब्बा फिर तुरंत बंद कर देना है ताकि बाकी स्ट्रिप्स मॉइस्चर से ख़राब ना हो। इस स्ट्रिप को हम ग्लूकोमीटर में, ये स्लॉट बना है उसमें इंसर्ट करेंगे और इस जैसे ही हमने इंसर्ट किया ये ग्लूकोमीटर स्टार्ट हो गया। फिर आप एक प्रिक करोगे, एक सही ड्रॉप बनाना है, ज़्यादा स्क्वीज नहीं करना है और ड्रॉप पे टच करना है, टिप पे नहीं, ड्रॉप पे आपको ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स टच करनी है और मॉनिटर पे आप देखोगे 5 सेकेंड में आपको आपका ग्लूकोज रीडिंग मालूम पड़ गया। ये है 91 mg/dL। कुछ लोगों को जिनको इंसुलिन खासकर 3 से 4 बार चल रही है, शुगर बहुत बार मॉनिटर करनी है, या लो शुगर का रिस्क ज़्यादा है, बार बार शुगर कम हो जाती है, शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है, ऐसे लोगों में बहुत बार प्रिक करके ग्लूकोमीटर से चेक करना थोड़ा पेनफुल होता है। उसके लिए एक नई डिवाइस आई है जिसमें आपको प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है और आप दिन के 24 घंटे शुगर चेक कर सकते हैं। ये शुगर हर मिनट आपके इंटरस्टीशियल फ्लूइड या कोशिकाओं के बीच के फ्लूइड में चेक करती रहती है। इसे हम कहते हैं CGMS या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। CGMS में एक सेंसर आपके शरीर में लगा दिया जाएगा जो शुगर रिकॉर्ड करता रहेगा और एक मॉनिटर के द्वारा आप रीडिंग किसी भी वक्त देख सकते हैं। पूरे दिन भर का एक ग्राफ या पैटर्न भी देख सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए? लोगों का सबसे पहला सवाल ये रहता है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितनी होती है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, नॉर्मल का डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट है। हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो है ऑप्टिमल या उचित ब्लड ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति में जिनको डायबिटीज़ नहीं है, खाली पेट की शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए, 100 mg/dL। और अगर हम खाना खाने के या ग्लूकोज के 2 घंटे बाद चेक करें तो 140 या 140 mg/dL से कम होनी चाहिए। इसके बीच की जो वैल्यू है 100 से लेके 125 खाली पेट और 140 से लेके 199 खाने के बाद,